तो ओप्पो की जो रेनो सीरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सीरीज़ रही है। उसी में से एक और नया स्मार्टफोन जुड़ने जा रहा है बहुत ही जल्द, जो कि है ओप्पो रेनो एस। ये स्मार्टफोन 10 अक्टूबर को चाइना में लॉन्च हो सकता है और उसी के कुछ दिनों बाद आपको इंडियन मार्केट में भी यही स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। इस स्मार्टफोन में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जैसा कि आपको ओप्पो रेनो 2Z में मिला था, उससे भी अच्छे प्रोसेसर आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है। इस स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर, क्वाड रियर कैमरा और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग स्पेसिफिकेशन आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। तो हे गाइस, मैं हूँ आर्यन, स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओप्पो रेनो एस स्मार्टफोन के बारे में, बताएंगे आपको इसके सभी स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग के बारे में और किस दिन ये इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं और शुरुआत करते हैं इस स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन से। तो इस स्मार्टफोन में आपको काफ़ी अच्छी डिज़ाइन देखने को मिलेगी। ओप्पो की जो रेनो सीरीज़ होती है ना, उसमें आपको काफ़ी अमेजिंग डिज़ाइन देखने को मिलती है। उसी तरह इस स्मार्टफोन में भी आपको काफ़ी अच्छी डिज़ाइन देखने को मिलेगी इसके रियर साइड पर, जो कि ग्लॉसी ग्रेडिएंट फिनिशिंग के साथ आएंगे। साथ ही साथ आपको क्वाड रियर कैमरा इसके रियर साइड पर देखने को मिल जाएंगे। बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आएगी। साथ ही साथ आपको इस स्मार्टफोन में एक वाटर ड्रॉप नॉच भी देखने को मिल जाएगी और आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा एज सिक्योरिटी के रूप में। बात करें अगर इस स्मार्टफोन के मेन USP यानी कि इसके प्रोसेसर के बारे में तो इस स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, तो आपकी गेमिंग काफ़ी स्मूथ होने वाली है। साथ ही साथ ये प्रोसेसर 2.9 GHz पर बेस्ड है, तो ओवरऑल आपको परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी मज़ा आने वाला है। बात करें अगर इस स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में तो इस स्मार्टफोन में आपको 4000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 65W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ये बैटरी आपको काफ़ी अमेजिंग बैकअप देने वाली है और आपकी बैटरी बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाएगी, क्योंकि इस स्मार्टफोन में आपको टाइप सी पोर्ट के साथ 65W का चार्जर देखने को मिलने वाला है। वहीं ये स्मार्टफोन 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ लॉन्च होगा, लेकिन इस स्मार्टफोन में आपको कोई भी डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इस स्मार्टफोन में 3.5 mm हेडफोन जैक देखने को ज़रूर मिलेगा। वहीं बात करेंगे अगर इस स्मार्टफोन के बारे में तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 9 पाई आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा आपको, और इस स्मार्टफोन में आपको और भी काफ़ी अमेजिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसा कि आपको इसका कैमरा, इस स्मार्टफोन का कैमरा आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। बात ही कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में तो इसके रियर साइड पर आपको क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलने वाले हैं। मेन कैमरा होगा जो कि होगा 48 MP का, जो कि प्राइमरी कैमरा है। सेकेंडरी कैमरा होगा 13 MP का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा, और 8 MP का आपको टेलीफोटो कैमरा देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ आपको 2 MP का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। सेल्फ़ी के लिए अगर बात कर लें तो सेल्फ़ी के लिए आपको 32 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। तो आपको इस स्मार्टफोन में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे कैमरा देखने को मिलेंगे, प्लस आपको इसके रियर साइड OIS और EIS दोनों का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा, और आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन का भी फीचर इस स्मार्टफोन के कैमरा में आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो हो गए इस स्मार्टफोन के कुल स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में और कब तक ये इंडियन मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। वहीं रेनो सीरीज़ के बारे में बात करें तो रेनो सीरीज़ एक फ्लेक्सिबल लेवल के स्मार्टफोन तो नहीं है, लेकिन आपको काफ़ी अमेजिंग स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करा ही देते हैं और इसकी प्राइसिंग भी थोड़ी हाई रहती है। तो इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग अगर कंपैरिजन करें रेनो 2Z और रेनो 2 से, तो इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग आपको 30,000 से 35,000 के बीच में देखने को मिलेगी। वहीं लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन 10 अक्टूबर को चाइना में लॉन्च हो रहा है और उसी के कुछ एक दो वीक में इंडियन मार्केट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल 30,000 और 35,000 के बीच में अगर ये स्मार्टफोन आया तो काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा, क्योंकि इसमें आपको 65W की फास्ट चार्जिंग प्लस स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर, क्वाड रियर कैमरा और भी काफ़ी सारे अमेजिंग स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं ये स्मार्टफोन किस डेट को इंडियन मार्केट में लॉन्च होता है और क्या स्पेसिफिकेशन लेके आता है। तो बस फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कुछ ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए। मैं हूँ आर्यन, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।